तो दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों ये खेसारी को उठाना है, सूखने के लिए यहाँ पे रखा गया था। तो चलिए इसको फटाफट से पहले उठा लेते हैं और उठा कर हमें जाना है घूमने के लिए। तो इस ट्राइपॉड में लगा लेते हैं, मोबाइल को माउंट कर लेते हैं और उसके बाद आपको क्लिप दिखाते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम लोग उठा चुके हैं और अब मैं आपको दिखाता हूँ कल जो तिलौरी जो सूखने के लिए बनाया जा रहा था वो कपड़े पे, ये वाला यहाँ पर देखो तो ये बनकर सूख चुका है अच्छी तरह से, तो यहाँ पे रखा गया है। और खेसारी जो उड़ चुका है, थोड़ा बचा हुआ है, तो इसको यहीं पे छोड़ देते हैं ढककर, क्योंकि कल भी इसको सुखाना पड़ेगा। तो हमें नहीं पता था तो हम उठाकर दो बोरा में रख चुके हैं उठाकर, और ये इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं कल, क्योंकि फिर इसको यहाँ पे पसाना पड़ेगा सुखाने के लिए। दोस्तों अब हो चुकी है रात और हम खाने में खा रहे हैं छोटी मछली और रोटी चावल। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं फाइनली छत वाले रूम पे, छत पे मेरा एक रूम है वहाँ पर हम सोते हैं, और यहाँ पे कुछ इस तरह का यहाँ पर बोर्ड है चार्ज करने के लिए, आराम से यहाँ पे सोते रहते हैं और इसको चार्ज में लगा देते हैं। और ये रहा मेरा पावर बैंक और ये रहा मेरा ब्लूटूथ वाले बाजा, यहीं छत पे सोते हैं अकेले एंजॉय करते रहते हैं। और ये रहा बाहर जाने का रास्ता छत पे। तो दोस्तों छत पर सोने का एक और मेरा रीज़न है कि छत पर सोने से क्या होता है कि छत वाले रूम है, छत नहीं है यहाँ पर दोस्तों, तो छत पर मेरा एक रूम है, सीढ़ी वाले साइड में रूम है। और छत पर सोने का रीज़न एक ये है, यहाँ पे नेटवर्क अच्छा काम करता है, एकदम फास्ट दंदनादन नेट काम करता है, इस कारण से भी मैं छत पे सोता हूँ। और यहाँ पर देख सकते हो ये जो फूलने के रखे थे पानी में, अब इसको जो है इसको अंकुरित बनाने के लिए इसमें फुला कर रख दिए हैं, तो इसमें थोड़ा इसका जो है अंकुरित होना शुरू हो चुका है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय, लव यू।